हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, अणु संख्या बंधन। और अणु संख्या बंधन में हमने पहला अणु संख्या बंधन पढ़ लिया था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? अणु संख्या बंधन, ठीक है। अणु संख्या बंधन क्या होते हैं बता दिया गया था कि बिलियन के बे बंधन जो कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर, अणु संख्या बंधन कहलाते हैं। चार प्रकार के थे: वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और पराशन दाब, जिनमें से एक हमने पार्ट 7 के अंदर पढ़ लिया, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आज हम दूसरा अणु संख्या बंधन पढ़ेंगे। दूसरा अणु संख्या बंधन है हमारा क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, उससे पहले हम जानेंगे कि क्वथनांक क्या होता है, ठीक है। तो क्वथनांक क्या होता है आप सभी जानते होंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं क्वथनांक क्या होता है। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो बेटा ये हमारे पास क्वथनांक की परिभाषा हो गई। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाता है, द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। अब क्वथनांक के आगे एक वर्ड जुड़ा है, उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, ठीक है। क्वथनांक में वृद्धि, तो ये क्या होता है? ये एक अणु संख्या बंधन है जो कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसको हम समझते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई विलायक है, ठीक है, जिसके मोल अंश हम पहले भी माने थे हमने x से, इसके द्वारा जो उत्पन्न वाष्प दाब है शुद्ध घटक के द्वारा, वो मान रहे हम ए नॉट, ठीक है बेटा। इसमें हम क्या मिला रहे हैं? अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय, ठीक है, ये अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं, जिसके मूल अंश हम मान रहे हैं एक्स बी है, ठीक है। मिलाने पर क्या बनेगा? विलयन, ठीक है। ये हमारे पास बिलियन बन गया, जिसमें एक्स ए और एक्स बी दोनों मौजूद हैं, एक्स ए भी है और एक्स बी भी है। और आप जानते हो एक्स बी कैसा है? अवाष्पशील। तो यहाँ पर जो है वो वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, बिलियन के वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। आप पहले से पढ़ के आ रहे हो कि पी ए नॉट का मान पी ए से कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो क्वथनांक की परिभाषा को बेटा मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप क्वथनांक उन्नयन समझ रहे हैं, तो आप जानते हो जो पी ए नॉट है वो पी से ज्यादा होगा। कारण आप जान गए, क्योंकि अवाष्पशील विलेय जो है वो विलायक के सतह के कणों को घेर लेता है, जिससे वाष्प कम बनती है और वाष्प दाब भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? डेल्टा पी। डेल्टा पी बराबर क्या होता है? पी ए नॉट माइनस पी। ये था वाष्प दाब में अवलंबन। अब वाष्प दाब पर ही क्वथनांक निर्भर करता है। आपने परिभाषा में पढ़ा था कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाता है, उस द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास विलयन का विलायक का क्वथनांक है उसको हम मान लेते हैं, जो हमारे पास है वो टी बी नॉट है, क्योंकि विलायक है तो ब्लैक में भी से देखा,
ठीक है, और जो बिलियन का क्वथनांक है मैं उसे टीवी से बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो ब्लैक का क्वथनांक है, शुद्ध ब्लैक का क्वथनांक है टीवी नोट, ये बिलियन का क्वथनांक है। तो अवास्त सील विलय मिलाने पर वास्त दाब में के आ गई बेटा कमी आ गई, समझे आप। पहले विलायक का शुद्ध विलायक का वास्त दाब कैसा था, ज्यादा था। जब वास्त दाब ज्यादा होगा तो वास्त दाब वायुमंडलीय दाब के जल्दी बराबर आ जाएगा, जब वास्त दाब ज्यादा था तो वास्त दाब वायुमंडलीय दाब के जल्दी बराबर आ जाएगा, तो क्वथनांक कैसा होगा, कम होगा। यदि अवास्त सील विलय मिला देते हैं तो विलयन के वास्त दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर होने के लिए आपको इस द्रव को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर इस द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर आएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर आएगा, यानी ताप को बढ़ाना पड़ेगा। तो जिस द्रव का वाष्प दाब कम होता है उसका क्वथनांक ज्यादा होता है, और जिस द्रव का वाष्प दाब ज्यादा होता है उसका क्वथनांक कैसा होगा, कम होगा। ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि क्वथनांक किस पर डिपेंड करता है, वाष्प दाब पर। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर आ जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाएगा, तो वह द्रव का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो यहाँ पर वाष्प दाब ज्यादा है तो क्वथनांक कैसा हो जाएगा, कम, क्योंकि वाष्प दाब जल्दी वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जो टीवी नॉट है, टीवी नॉट है वो लेस देन होगा टीवी से, ठीक है। यानी बिलियन का क्वथनांक ब्लैक के क्वथनांक से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये घटना ही क्या कहलाती है, क्वथनांक पुण्य। जब किसी ब्लैक में अवास्त सील विलय मिलाया जाता है तो बिलियन का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसी घटना को क्या बोला जाता है, क्वथनांक पुण्य। तो जो हमारे पास क्वथनांक उन्नयन है इसे दिखाते हैं डेल्टा टीवी से। अब डेल्टा टीवी बराबर क्या होगा, टीवी माइनस टीवी नॉट, ठीक है, ये होगा हमारे पास टीवी माइनस टीवी नॉट, ये क्वथनांक उन्नयन आ गया। अब हम यहाँ पर राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, तो आप सभी जानते हो राउल्ट के नियमानुसार जो डेल्टा पी भी होता है, जो डेल्टा पी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है विलेय के मोल अंश के, इसके प्रोपोर्शनल होगा विलेय के मोल अंश के। और हम एक और चीज जानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इसको इक्वेशन, जो डेल्टा टी है वो भी प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके डेल्टा पी के। जो क्वथनांक का उन्नयन है वो वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होगा, बिल्कुल होगा। जितना ज्यादा वाष्प दाब में अवनमन होगा उतना ही जो ज्यादा क्वथनांक में क्या होता जाएगा, उन्नयन होता जाएगा। भाई ये दो इक्वेशन देखें आप, तो यहाँ हमें देखकर पता लग रहा है कि डेल्टा टी भी प्रोपोर्शनल किसके आएगा, डेल्टा पी के। यानी जितना ज्यादा वाष्प दाब में अवनमन होता जाएगा, वाष्प दाब में अवनमन क्या होता जाएगा, अवाष्पीय विलय की मात्रा मिलाओगे तो वाष्प दाब में अवनमन होगा, वाष्प दाब घटेगा तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। तो वाष्प दाब में अवनमन जो है वो क्वथनांक में उन्नयन के समानुपाती होगा। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो आप क्या देते हो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से डेल्टा टी जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, एक्स वी के। इसको हम दे दें समीकरण नंबर 3, तो एक नया समीकरण बन गया। तो यहाँ तक की बात बेटा आपको समझ में आ गई होगी, ये थियोरेटिकल बात थी। जब किसी ब्लैक में अवास्त सील विलय मिलाया जाता है तो बिलियन का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये घटनाएं क्या कहलाती है, क्वथनांक पुण्य। तो बिलियन का ज्यादा होगा, ब्लैक का कम होगा, इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, क्वथनांक पुण्य, यानी क्वथनांक में वृद्धि। क्वथनांक पुण्य जो होता है वो वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। और राउल्ट के नियम के अनुसार हम ये भी जानते हैं कि जो वाष्प दाब में अवनमन है वो विलय के मोल अंश के समानुपाती होगा, जितना ज्यादा अवास्तीय विलय मिलाओगे वाष्प दाब में अवनमन बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये इसके समानुपाती है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से कि जो क्वथनांक का उन्नयन है वो अवास्तीय विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। इसको आगे लेके चलते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बराबर एक स्थिरांक की
और यहाँ पर एक्स बी। अब सभी आप जानते हो एक्स बी क्या होता है, तो बेटा हमको ये मिटाना पड़ेगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका जल्दी से, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आता है क्वथनांक यूनियन का डेरिवेशन हम देखते हैं, तो उस डेरिवेशन के अंदर हमारे पास क्या आ गया, हम पढ़ रहे हैं क्वथनांक यूनियन और इस क्वथनांक यूनियन का डेल्टा टीवी से दिखाएंगे हमसे, है ना। तो डेल्टा जो टीवी है वो प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है हमारे पास, एक्स बी के, और डेल्टा टीवी जो है वो हम लिख रहे हैं किसके बराबर, आपके पास के एक्स बी के। ये समीकरण तीन था हमारा अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। अब एक्स बी क्या है, ब्लेके मूलांश, तो ब्लेके मूलांश क्या होते हैं, एक्स बी बराबर हम लिख सकते हैं एन बी यानी ब्लेके मूल बटे बिलियन के, कुल मूलों का अनुपात क्या होता है लेके मोल, ये हम जानते हैं। तो यदि कंडीशन लगा दें बिलियन अत्यंत तनु हो, तो बिलियन अत्यंत तनु हो तो एन ए जो है वो एन बी की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाएगा, या बोल सकते हैं एन बी वेरी वेरी लेस देन दिस से हो जाएगा एन ए से। तो हम लिख सकते हैं एन ए प्लस एन बी इक्वल टू एन ए के, ठीक है, यानी ब्लैक के मोल पर ही निर्भर करेगा। तो हम लिखते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू के एक्स बी की जगह हम वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगा, एन बी अपॉन एन ए की वैल्यू क्या है हमारे, एन एन ए प्लस एन बी की जगह हम क्या रखेंगे एन ए, ठीक है। अब एन ए और एन बी आप सभी जानते हो, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे के एन बी की वैल्यू क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन इसको मल्टीप्लाई में ले आते हैं एन बी इनटू इसकी एन ए की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू बी सॉरी डब्ल्यू ए और अपॉन ऊपर पे ले जाएगा ये क्या आ जाएगा एन ए, ठीक है। अब देखो इसको एक क्रम में चेंज कर सकते हैं हम, डेल्टा टी बी बराबर के इनटू एम ए, ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इनटू डब्ल्यू ए, ठीक है। ये इसका एक तरफ लिख दिया मैंने, ये बिले का भार है, ये बिले का अणुभार है, और ये विलायक का भार है। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को मैं इधर लिखूं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी ये किसके बराबर होता है एम बी के, तो इसको हम लिख सकते हैं एन बी अपॉन एम डब्ल्यू ए। अब आपको एक टर्म समझ में आ रही होगी कि एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विले के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, मोललता, लेकिन किसके बराबर होगा मोललता के, यानी ये वाला जो टर्म है हमारे, ये वाला जो पूरा टर्म है हमारे पास ये किसके बराबर होगा, ये मोललता के बराबर होगा। इसको हम एन भी लिख सकते हैं और ये डब्ल्यू ए विलायक का भार है आप जानते हो, तो और इसकी जगह हम लिख सकते हैं नया अचरण यानी के बी, के बी और इनटू में हमने लिख दिया यहाँ, ठीक है, इनटू में हमने क्या लिख दिया एन। ये हमारे पास समीकरण आप देख लेना कौन सा आ रहा है, चार, ठीक है। समीकरण चार से हमें समझ में आ रहा होगा अगर टीवी को हटा दें तो डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा एन, यानी बिलियन की जो मोललता है, बिलियन की जो मोललता है वो क्वथनांक यूनियन के क्या होती है, समानुपाती होती है। बिलियन की जो मोललता है वो क्वथनांक यूनियन के क्या होती है, समानुपाती होती है। अच्छा के बी क्या है, इसमें ये भी लिख लेते हैं हम, के बी बराबर हमारे पास क्या आएगा, के बी बराबर हमारे पास ये होता है मोलल क्वथनांक यूनियन स्थिरांक, ठीक है, या क्वथनांक यूनियन स्थिरांक या मोलल यूनियन स्थिरांक भी बोल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा
हमने कुछ भी नहीं किया, डेल्टा टी भी प्रोपोर्शनल एक्स भी था, प्रोपोर्शनल को हटाया, यहां पे के लगा दिया, एक्स भी की वैल्यू होती है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। हम मान रहे हैं बिलियन अंतर हुए हैं, तो एन ए प्लस एन बी इक्वल टू क्या आएगा, एन ए, यहां पे पुट कर दिया एक्स भी की वैल्यू को, एन बी की वैल्यू क्या होती है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एन ए की क्या होती है डब्ल्यू अपॉन एम ए, एम ए को इधर लिया, ये हिस्सा किसके बराबर है हमारे पास, ये हिस्सा मोललता के बराबर है, किसके बराबर है मोललता के, ठीक है एम रख सकते हैं, ये हमारे पास टर्म बन गई, ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बात करते हैं। ठीक है तो ये हमारे पास बोल सकते हैं कि विलयन का जो क्वथनांक बनने में वो मोललता के क्या होता है समानुपाती होता है, KB क्या है मोलल क्वथनांक उन्नय स्थिरांक। अब देखो हमारे पास जो न्यूमेरिकल के लिए टर्म है वो कौन सी काम आएगी, सवाल करने के लिए कौन सी टर्म आएगी हमारे काम में, तो उसको देखते हैं अपन। तो सवाल करने के लिए जो काम में आने वाली टर्म है वो है हमारे पास डेल्टा TB बराबर KB इंटू एम, ये वाली m की वैल्यू आपको यहां पर रखनी पड़ेगी, तो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू m बराबर क्या है, m बराबर ये वाला था आपके WB अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, अगर आप इसे ग्राम में लेते हो तो ऊपर कितने का गुणा कर दोगे 1000। तो ये जो समीकरण आएगा ये किसके लिए काम में आएगा, ये जो समीकरण है हमारे पास न्यूमेरिकल करने के काम में आएगा, ठीक है न्यूमेरिकल के लिए काम में आएगा ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब आप देखते हो इसमें के बी क्या है, के बी अभी बताया आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है आपके पास डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी है विलेय का भार, ठीक है एम बी क्या है, एम बी है विलेय का अणुभार, ठीक है डब्ल्यू ए क्या है, ये हमारे पास विलायक का भार है बेटा, ठीक है और डेल्टा टीवी क्या है, डेल्टा टीवी जो है हमारे पास वो क्वथनांक उन्नयन है, ठीक है क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीवी की जगह बेटा ये भी लिख सकते हैं हम TB माइनस TB नॉट, न्यूमेरिकल में डेल्टा TB की जगह ये भी लिखा हुआ मिल सकता है हमें TB माइनस TB नॉट, ये भी हम लिख सकते हैं। अब TB क्या है, विलयन का क्वथनांक जब अवास्तविक विलय मिला देंगे, और TB नॉट क्या है हमारे पास विलायक का क्वथनांक, ठीक है तो ये सारी चीजें हमारे पास इस इक्वेशन में। अब यदि हम यहां पर AB का मात्रक निकालें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में हमसे पूछा जाता है, यूनिट नहीं लगाएंगे तो बेटा नंबर कट जाते हैं, तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक का हमें मात्रक पता होना चाहिए, तो मात्रक कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा TB इक्वल टू KB इनटू M, ठीक है तो KB बराबर क्या होगा हमारे पास, KB बराबर होगा डेल्टा TB अपॉन M, इसका मात्रक होता है केल्विन और इसका क्या होता है मोल पर केजी, मोल और ऊपर जाएगा किलोग्राम, तो इसका मात्रक आएगा KB का हमारे पास केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, इंपॉर्टेंट है बेटा ध्यान रखना है आपको,
जो मोलर उन्नयन स्थिरांक है इसका मात्रक क्या होगा? केल्विन, किलोग्राम, मोल, इनवर्स। ठीक है बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ये हमारे न्यूमेरिकल के लिए टर्म काम में आएगी। ठीक है बेटा, अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं, ठीक है, जो हमारे पेपर में पूछा जा सकता है। तो एक न्यूमेरिकल हम बनाते हैं, जैसे हमारी बुक का ही न्यूमेरिकल है उसे को देखते हैं हम। जैसे हमें दे रखा है न्यूमेरिकल है हमारे पास शुद्ध बेंजीन, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। इसमें इसमें 1.80 ग्राम अवाष्पशील ब्ले, 1.80 ग्राम अवाष्पशील ब्ले 90 ग्राम बेंजीन में मिलाया जाता है। तो शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक कितना दिया? 353.23 केल्विन। बेंजीन में 90 ग्राम बेंजीन में 180 ग्राम अवाष्पशील ब्ले मिलाया जा रहा है, यानी 180 ग्राम अवाष्पशील ब्ले 90 ग्राम बेंजीन में मिलाया जाता है, जिससे क्वथनांक, जिससे आपके पास जो क्वथनांक है वो 354.11 केल्विन हो जाता है। तो ब्ले का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ब्ले का मोलर द्रव्यमान क्या करवा रहा है? ज्ञात करवा रहा है। इसके लिए आपको केजी की वैल्यू दी है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल बेंजीन के लिए। बेंजीन के लिए जो आपके पास केबी की वैल्यू दी है 2.53 किलोग्राम केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स करके। अब सवाल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले सवाल में ये देखिए दे क्या रखा है। ठीक है, शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक दे रखा है, यानी TC6H6O ये दे रखा है हमें 353.23 केल्विन। आपको बेंजीन अवाष्पशील ब्ले का भार दे रखा है, बेंजीन का भार दे रखा है और क्वथनांक में उन्नयन दे रखा है, कितना हो गया? 354.11 केल्विन। ठीक है, ब्ले का भार दे रखा है, आप ब्ले के भार को कैसे दिखाते हो? WB से अभी पढ़ा था हमने, तो वो हमें दे रखा है 1.80 ग्राम, 1.08 है। ठीक है, 1.80 ग्राम। ठीक है, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में हम देखें? आपको बेंजीन का भार दे रखा है, विलायक का भार दे रखा है 90 ग्राम, केबी का मान दे रखा है 2.53 के केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दे रखा है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? ब्ले का मोल इनवर्स पूछ रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है एमवी। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डेल्टा टी क्या लिखोगे आप? टीवी नॉट माइनस टीवी होता है, तो इसकी जगह क्या लिखोगे आप? आपके पास आएगा टीवी TC6H6 नॉट
माइनस तीन सी सिक्स एल सिक्स इजिकल टू ये कि यही पूरा आ जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एन बी इंटू डब्ल्यू सी सिक्स एल सिक्स। आप डेल्टा टी की डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते थे इसमें से, इसको लेस करके इधर रख देते हैं हम, चलो निकाल ही देते हैं हम। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 354.11 माइनस 353.23 इज इक्वल टू केवी का मान कितना है 2.5 के इनटू डब्ल्यूबी की वैल्यू कितनी है 1.80 इनटू 1000 अपॉन एमबी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है और डब्ल्यूसी की टेस्टिक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 90 हमें मल्टीप्लाई आएगा सॉरी ठीक है। इसको इसमें से लेस करोगे तो 0.88 आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ कैलकुलेशन कर लो एम बी को ऊपर ले आओ एक काम करो एम बी को चलो ये किस स्टेप और बढ़ जाएगा तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। देखो यहाँ पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट है इस पॉइंट को हटा दो नीचे कितनी आ जाएगी 2 0 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गई है आपके 9 से ये कट जाएगा 20 10 तो 20 इंटू 2.53 आ गया और ये 0.88 आ गया तो एम बी बराबर क्या आएगा हमारे पास एम बी बराबर आएगा हमारे पास 2.53 इन दोनों का अंतर जो है वो 0.88 है ठीक है। इस स्टेप को ले लेंगे हम बराबर में और 2.53 इंटू 20 अपॉन आपके पास कितना जाएगा 0.88 इसको कैलकुलेट करना 58 ग्राम पर बोला जाएगा। ये हमारे पास विलेय का मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। तो ये बेटा कुछ इस प्रकार का न्यूमेरिकल था जिसको आप कैलकुलेशन थी देखो आप और स्क्रीनशॉट करो इसका फटाफट। ठीक है बेटा तो ये हमारा पदनाम बुनियन से रिलेटेड न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं पदनाम बुनियन का ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनेगा देखो आप एक तरफ हम लेते हैं वेपर प्रेशर ठीक है और एक तरफ हम लेते हैं टेम्परेचर केल्विन ठीक है। आप देखते हो विलायक के लिए क्वथनांक देखना है तो क्वथनांक होता क्या है वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है वायुमंडलीय दाब के तो वायुमंडलीय दाब होता है 1 atm प्रेशर तो इसके बराबर जब किसी द्रव को हम गर्म कर देंगे वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाएगा उसका बाद होगा तो वह द्रव उबलने लग जाता है वही उस द्रव का क्या कहलाता है क्वथनांक कहलाता है। तो आप क्या देखते हो जैसे हम मान के चलते हैं यहाँ पर इस टेम्परेचर पर हमारा विलायक जो है उसका जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर आ जाता है वायुमंडलीय TB0 ये विलायक का क्वथनांक है। किसका क्वथनांक है विलायक का क्वथनांक। अब विलायक में क्या मिला देते हैं एवासील विलेय जिससे विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है आपके बढ़ जाता है तो विलयन का क्वथनांक जो होगा ऑब्वियसली विलायक से ज्यादा होगा वो हम मान के चलते हैं यहाँ पर आ गया ये विलयन का क्वथनांक आ गया ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा हमारे पास क्वथनांक उन्नयन जिसको हम दिखाते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट ठीक है। ये जो है ये लाइन किसके दिखा रही है आपके विलायक के क्वथनांक को और ये लाइन जो दिखा रही है वो किसके दिखा रही है ये दिखा रही है विलायक के क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट को ठीक है जो कि कम होगा आपके पर ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास ये किसके दिखा रही है विलयन के क्वथनांक को ठीक है। पर आप जानते हो जब विलायक में अवासी विलेय मिला देते हैं तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है क्योंकि उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है घट जाता है। तो यहाँ पर ये विलायक का क्वथनांक किसके बराबर हो गया वायुमंडलीय दाब का इस टेम्परेचर पर
टीवी नॉट पर विलायक का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया और द्रव उबलने लग गया। लेकिन इसी टेम्परेचर पर यदि हम बिलियन का क्वथनांक देखते हैं तो वो बेटा हमें यहां प्राप्त होता है, इस जगह इस पॉइंट पर प्राप्त होता है, जो कि वायुमंडलीय दाब से इतना कम है। विलायक का क्वथनांक तो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया इस टेम्परेचर पर, लेकिन इसी टेम्परेचर पर ये लाइन बिलियन की आ रही है, तो बिलियन का क्वथनांक जो होगा वो बेटा क्या हो गया आपके, इस टेम्परेचर पर बिलियन का क्वथनांक कम है। क्यों है? क्योंकि बिलियन का बाष्प दाब भी क्या है, कम है। तो इस बाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर आने के लिए हमें इतना और गर्म करना पड़ेगा, तब जाके इसका बाष्प दाब किसके बराबर आया, वायुमंडलीय दाब के। तो ये जो वेपर प्रेशर हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं, ये वेपर प्रेशर किसका है हमारे पास, विलियन का, और ये किसका है, विलायक का, किस टेम्परेचर पर, टीबी नॉट पर। और टीबी पर तो आपको पता ही है यहाँ पर विलियन का जो क्वथनांक है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये जो अंतर होता है वो बाष्प दाब में अवनमन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट और ये डिफरेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, हम पढ़ के आ रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और हम गलती कर जाते हैं, तो इसको ध्यान से बनाना है हमको। इसमें कौन सी लाइन विलायक की है ध्यान रखना, कौन सी लाइन विलियन की है, ठीक है। ये क्वथनांक उन्नयन का आपके पास ग्राफ हो गया, तो बेटा आपको क्वथनांक उन्नयन और दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अणुसंख्या गुणधर्म आ गया होगा, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए किस पर डिपेंड कर रहा है, ये प्रॉपर्टी भी किस पर डिपेंड कर रही है, विलेय के मोल अंश के समानुपाती है, अर्थात विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगी, ना कि उनकी प्रकृति पर। विलेय के कण जितने ज्यादा मिलाओगे क्वथनांक उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, बाष्प दाब में अवनमन उतनी ही कमी हो रही थी। तो ये भी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है अणुसंख्या गुणधर्म है, समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बेटा हमारी कंप्लीट हो गई है, एक बाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, दूसरा क्वथनांक उन्नयन। तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आती है हमारे पास हिमांक अवनमन, जिसको हम बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम यही कंप्लीट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। थैंक यू।